नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। रावण दहन हुए 24 घंटे से भी कम का वक्त बीता है, लेकिन रावण दहन के वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया उसे लेकर चर्चा लगातार हो रही है। यूपी के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कुछ अहम बातें कही हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तमाम विवादों के बावजूद, अलग अगर अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स देखें तो वो पीडीए की बात लगातार कर रहे हैं, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। वो साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि मैं 2024 के लिए और शायद उससे आगे भी अपना जो पॉलिटिकल लाइन है वो इसी पीडीए के रथ पर सवार करके उसे लेके जाऊंगा। राहुल गांधी ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जातिगत जनगणना, सरकार आई तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है विधानसभा में भी करवाएंगे, उन राज्यों में भी करवाएंगे। वो इतने फ्रंट फुट पर आकर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशहरे पर जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने साफ तौर पर जातिवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन ताकतों का भी दहन होना, सिर्फ पुतले का दहन नहीं होना चाहिए, उन ताकतों का भी दहन होना चाहिए जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर देश को बांटने का काम करती हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से, बिहार में हुई जातिगत जनगणना के बाद से और अखिलेश यादव ने जो पीडीए का नारा दिया है इसके बाद से कमोबेश विपक्ष ने अपनी पॉलिटिकल लाइन साफ कर दी है। क्या राजनीतिक रास्ता वो आने वाले चुनावों के लिए लेने वाले हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विपक्ष ने ये साफ कर दिया है। और उसके बाद से बीजेपी के खेमे में शायद हम थोड़ी चुप्पी, थोड़ी खामोशी या फिर थोड़ा कंफ्यूजन देखते हैं, क्योंकि बीजेपी की अपनी मजबूरियां हैं। बीजेपी के साथ एनडीए के जो साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जातिगत जनगणना, जातिवाद, ओबीसी आरक्षण, एमबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, अपना चुनावी प्रचार करते हैं। तो बीजेपी के सामने एक दुविधा आकर खड़ी हो जाती है उस मोड़ पर जहां उसे जातिगत जनगणना की बात करनी पड़ती है या फिर ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दों की बात करनी पड़ती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से साफ कहा कि उन ताकतों का दहन होना चाहिए जो जातिवाद के नाम पर बांटने का काम करती हैं, कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी जाति को लेकर और धर्म को लेकर कुछ बातें कही जिनकी चर्चा भी हम करेंगे, उससे साफ हो जाता है कि बीजेपी भी अपना एजेंडा तय कर रही है। तो क्या ये एक दोराहे की स्थिति है? क्या यूपी जैसे स्टेट में जहां राजनीति की वो पुरानी कहावत जो हम बरसों से पढ़ते आए हैं कि इन इंडिया ना सही तो कम से कम यूपी के बारे में तो वो सही होती है कि यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट, हिंदी में कहें तो जाति है कि जाति नहीं, वो जो बरसों से हम पढ़ते आए हैं यूपी में, क्या उससे अलग होकर बीजेपी गरीब की छतरी, हिंदू की छतरी, लाभार्थी की छतरी, इनके नीचे अपनी राजनीति को आगे ले जाएगी और चुनावी सफलता भी पाएगी? ये कुछ गुत्थियां हैं जिन्हें सुलझाने के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान मौजूद हैं, जिनमें शामिल हैं सैयद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं राजपथ के नाम से, जिस पर आप कासिम साहब की टिप्पणियां लगातार देख सकते हैं। समीर हमारे साथ हैं, समीर भी राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, और समीर भी अपना एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलाते हैं जहाँ पर आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं इस शो के अलावा भी। और हमारे साथ हैं विजय उपाध्याय जी, जो कि दैनिक भास्कर अखबार के उत्तर प्रदेश में ब्यूरो चीफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सबसे पहला सवाल मैं कासिम साहब आपसे करूंगा, हालांकि विजय उपाध्याय जी भी हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन कासिम साहब पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री ने जो कल बातें कही हैं उन्हें अगर हम फोकस करें, जातिवाद और धर्म पर उन्होंने जो बातें कही हैं, या जातिवाद पर उन्होंने जो बातें कही हैं, जो लाइन बोली है, उसे आप कैसे अनफोल्ड करते हैं? आप उसमें क्या संदेश देखते हैं आने वाले चुनावों और आने वाली राजनीति के मद्देनजर? नीरज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री के भाषण से है।
अगर हम गलत नहीं है तो प्रधानमंत्री कांग्रेस बहुत बाद में आई है जाति के प्लेटफॉर्म पे। वो तब आई है जब प्रधानमंत्री खुद जाति के कार्ड को बहुत अच्छी तरह से खेल चुके और उन्होंने जातियों के उस मिश्रण से देश में एक नई भाजपा का निर्माण कर दिया, भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कभी जातिवाद की बात नहीं होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी में जात की बात होती है, बट हर जगह होती है, हर कोने में। टिकट बंटवारे से लेके मंत्रिमंडल तक, राष्ट्रपति से लेके, कोविड से लेके वर्तमान राष्ट्रपति तक, तमाम मुद्दों पे जाति को कहा ही नहीं गया है, उस पर पूरी तरह से ऐलान किया गया, मंच से कहा गया कि जब हमने तो इसको बनाया, हमने तो इसको बनाया। और प्रधानमंत्री के भाषण तो आप याद करें तो प्रधानमंत्री तो खुद कहते थे मैं शूद्र हूँ, मैं दलित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, ये सारे मैं उन्होंने संबोधन अपने लिए भी किए हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि जाति है कि जाति नहीं, जो आपने कहा है बिल्कुल सीधी बात है कि आदमी अपने हिसाब से अपने मौके पे उन चीजों को कहता है, इसमें कोई शक नहीं। कि प्रधानमंत्री भाषण के अंदाज में चीजों को इतनी खूबसूरती से समेटते हैं जैसे लगता है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, जिस मुद्दे पे वो बोल रहे हैं, जिस मुद्दे को कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री खुद इस मुद्दे को छूते नहीं, इस मुद्दे पे जाते नहीं। आप तमाम भाषण निकाल लीजिए, चाहे वो राष्ट्रपति बनाने के नाम पे हो, मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे हो, मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे हो, शिवराज सिंह चौहान मामा जो है अपने आप को पिछड़ा कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी कहती है पिछड़े मुख्यमंत्री है, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जाती है कि जाती नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम से कम वर्तमान में आज की तारीख में कांग्रेस तो अब आई है लेके जाति जनगणना और पिछड़ा और ये सारी चीजें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो उनका एक अंदाज है उस अंदाज में जातियों का संतुलन बिठा लाया है और नई भारतीय जनता पार्टी ने जातीय के संतुलन से सबको ध्वस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री का हल्का सा ये डर हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस जातीय संतुलन को बिगाड़ दे विपक्ष का ये दांव, लेकिन मैं इसमें मुझे बहुत ज्यादा संदेह है, शक है कि कांग्रेस जैसी पार्टी को जब जनगणना और जातीय जनगणना और पिछड़ों की बात करते हुए आप पाते हैं तो उस पर विश्वास नहीं होता, यकीन नहीं होता, पिछड़ों को भी नहीं होता है। अभी टिकट के बंटवारे पे आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहां पे चुनाव हो रहे हैं, तो पिछड़ों की आप संख्या देखें तो उससे पता चल जाता है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों के लिए कितना खड़ी हुई है। और उसको लेके तमाम सोशल मीडिया पे एक सीनियर जर्नलिस्ट ने, उन्होंने ट्रेंड भी किया है इसको लेके, तमाम उन्होंने ट्वीट किए हैं, उसको बार ट्रेंड करवाया कि पिछड़ों के लिए बात, कांग्रेस के पास पिछड़ों के टिकट के लिए जगह नहीं है। तो ये सारी चीजों को इकट्ठा करने के बाद मैं इससे ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते कुछ हो, तकरीर में उनका अंदाज कुछ हो, और वो भी दशहरे के दिन अगर उनका भाषण है तो पूरे देश ने सुना है, वैसे भी उनके भाषणों को पूरे देश सुनता है, वो चाहे मन की बात हो या प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में दिए गए भाषण हो। लेकिन नीरज जी, ये बिल्कुल सही, आपने एक लाइन में जो बात कही है उससे कोई नहीं बच सकता है, जाति है कि जाति नहीं, और बिना जाति के चुनाव में जाने का प्रयास करने वाले लोग शायद इस चुनाव में, ये जो गर्मी है इसमें बहुत ज्यादा सफल होते हुए नहीं दिखाई देते। इसीलिए कहा तो यही जाएगा कि जाति और उसमें बांटने वाले लोग, लेकिन अमल में जातियों का संतुलन और जातियों का मिश्रण, ये आज के सियासत की सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। नीरज, बिल्कुल उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। विजय सर, उपाध्याय मैं जी, पहले बुनियादी सवाल यही करना चाहता हूं, जातिवाद के मुद्दे पर अपने दशहरे के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणी की है उसके क्या राजनीतिक मायने हैं? देखिए मायने यही है कि जातियों का शोर बहुत ज्यादा, बीजेपी को जब 2014 में अति पिछड़े अति दलितों का समर्थन मिला यूपी में, यानी पिछड़े और दलित जातियों का समर्थन मिला, तो उसके पीछे के राजनीतिक कारण थे और परिस्थितीय कारण थे। जैसे 2007 से 12 के दरमियान बसपा की सरकार थी, बसपा दलितों की सबसे मजबूत रिप्रेजेंटेटिव अपने को मानती रही है और उन्हें 2007 में बहुमत भी मिला था, तो इनकी सरकार आई। फिर आप देखिए कंटिन्यूअस 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, जो पिछड़ों की सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती रही। यानी उत्तर प्रदेश में जब आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय की राजनीति आगे बढ़ती है तो उसमें एक दलितों की पार्टी आगे बढ़ के ज्यादा सीटें ले आती है, दूसरा ओबीसी की बेस वाली और माइनॉरिटी की बेस वाली पार्टी सबसे ज्यादा सीटें ले आती है। तो इन दोनों की सरकार रहते हुए, यानी बसपा की सरकार जाने और सपा की सरकार रहते हुए, बीजेपी को जो कामयाबी मिली 14 में, वो अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल था।
खास बात यह है इसमें कि एक तो प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी समुदाय से, अभी ठीक है लोग कहते हैं बाद में ओबीसी बने, तो उत्तर प्रदेश में 91 से 2000 के बीच में 24 जातियां ओबीसी बनी, 89 में जो जातियां थी उनसे 79 संख्या हो गई 2002 आते आते, तो जो ओबीसी जातियां छूट गई थी उनको तो इंक्लूड किया ही, लेकिन मोदी के साथ ओबीसी जातियों ने अपने को जुड़ा हुआ महसूस किया और उसका असर हुआ कि 73 सीटें 80 में से जीत गई बीजेपी। और फिर आप देखिए कि 17 और 19 में जबकि बसपा और सपा यानी इवन की आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जो जाट समुदाय की पार्टी है वो भी साथ में थी, यानी कि पिछड़ों की पार्टी, दलितों की पार्टी और एक 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 बिरादरी की पार्टी, इसके बावजूद बीजेपी को 51% वोट मिल गए। तो इसमें दो बातें हैं, एक कि जातीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है 2013 के बाद या 14 के लोकसभा चुनाव से, दूसरी बात यह है कि उनका भरोसा नरेंद्र मोदी पे बना हुआ है। मैं उसे बीजेपी के लिए नहीं कहता हूं, मैं उसे नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी तो पहले भी थी लेकिन कल्याण सिंह के रहते हुए भी उन्होंने, कल्याण सिंह को सबसे पहले अगर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने 89 में तो बीजेपी ने कल्याण सिंह को भी बार बार मुख्यमंत्री बनाया, 91 में वो बने, बहुमत की सरकार आई, फिर उसके बाद 97 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो बीजेपी ने ओबीसी को महत्व दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन उनको वोट नहीं मिलते थे। वोट न मिलने के कारण यही था कि अति पिछड़े और अति दलितों का जो समूह था वो उनके साथ अपने को जोड़ नहीं पा रहा था, वो जोड़ पाया नरेंद्र मोदी के साथ। अच्छा, अब ये नरेंद्र मोदी जी के 24 में उनको हराने के लिए ये जो जातीय जनगणना का कार्ड है या अति जातिवाद का जो कार्ड है, ये जो अपोजिशन ने चला है, मोदी उसे बार बार काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बात सही है जो बात कासिम कह रहे हैं कि उन्हें डर है कि हमारे वोट में कहीं सेंध ना लग जाए, क्योंकि जो वोट उनके पास है वो उत्तर प्रदेश में देखें तो गैर यादव और गैर जाटो वोट है, और गैर जाटो गैर यादव वोट बहुत बड़ी तादाद में है, करीब 10% उत्तर प्रदेश में अति दलित है, यानी जाटो समुदाय को अगर छोड़ दीजिए तो करीब 10% है, और अति पिछड़ा भी, यही स्थिति। बीजेपी ने एक और कार्ड खेला था पसमानदा का, यानी मुस्लिम पिछड़ा का, मंडल आयोग में जिन ओबीसी जातियों को रिजर्वेशन है 27%, उसमें मुस्लिम पिछड़ा भी शामिल है, लेकिन उनकी कभी कोई बात नहीं होती है, उसमें अंसारी भी हैं, उसमें सलमानी भी हैं, रहमानी भी हैं और तमाम तमाम जातियां हैं उसमें, तो लेकिन उनकी बात नहीं होती। बीजेपी ने उनकी भी बात करी, हालांकि आजकल उसको थोड़ा सा उस तरह से चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इन्होंने कोशिश करी है। और जो जातीय जनगणना को लेके बात शुरू हुई, उससे एक ये माहौल बनाया गया कि अपोजिशन के द्वारा कि बीजेपी जो है एंटी ओबीसी है, एंटी दलित है, तो मोदी की चिंता यही है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हमारी तो एक ही जाति है गरीबी की, यानी कि सभी गरीबों को उन्होंने चिंता की, और जो सबसे बड़ी जाति है वास्तव में देखा जाए इस देश में, क्योंकि 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज सरकार दे रही है, तो एक तरीके से माना जाए कि 80 करोड़ लोग गरीबों वाली श्रेणी में आते हैं और उनकी जाति एक ही है गरीब जाति, और गरीबी एक ऐसी चीज है जो अपनी जाति को भुला देने के लिए पर्याप्त है। अब उन्होंने जो रामलीला मैदान में कहा वो हमारे सामने है, तो ये इनकी कोशिश यही है प्रधानमंत्री मोदी की कि जातियों में जो विभाजन है वो ना हो, और जो विभाजन 14 में हुआ था उसमें अगर कुछ ऐड हो, यानी जैसे यादवों को जोड़ने के लिए देखिए तो मोदी ने उसके लिए भी कोशिश की कि यादव समुदाय जुड़े, जैसे अखिल भारतीय यादव महासभा के जो पूर्व अध्यक्ष थे चौधरी हरिमोहन सिंह, बहुत ही लोकप्रिय थे, उनकी 10वीं पुण्यतिथि थी, उसके कार्यक्रम को उन्होंने ऑनलाइन संबोधित किया, हालांकि वो आना चाहते थे नहीं आ पाए। इस तरह के और भी कोशिशें की हैं बीजेपी ने, जाटो समुदाय को भी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने पर्याप्त दिया है, यादव समुदाय को भी रिप्रेजेंटेशन दे के उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, क्योंकि ये जनरल कास्ट की जो झुकाव है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए पिछड़ों का और दलितों का एक साथ होना बहुत जरूरी है, और अति पिछड़े अति दलितों का तो बहुत ज्यादा जरूरी, इसीलिए केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं आप देखिए वो गांव के लिए हैं और अति पिछड़े अति दलितों के लिए है। इवन की उज्ज्वला योजना पहले जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए थी, बाद में उसे अति पिछड़े दलितों के लिए भी ओपन किया उन्होंने, सबको पहुंचाया, तो एक राजनीतिक जो कोशिश हो रही है, एक रणनीति जो अपोजिशन की है कि इसमें जितना हो सके बिखराव किया जाए, और दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश ये है कि हम जितना हो सके इसको एकजुट रखें ताकि हमारा जो वोट 50% तक बहुत से जगहों पे है
वो हम अपने को वहां पे बनाए रखें या उससे आगे ले जाएं पसमांदा के साथ। जी समीर, सवाल यही है कि तमाम जन कल्याण का उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की तमाम कोशिशें, हाल ही में जो आया कि भाई आईएएस अफसरों को रथ प्रभारी बना दिया जाएगा समय समय पर, इसके अलावा हम बीजेपी की जो बैठकें होती हैं उनसे सूत्रों के हवाले से खबरें आती हैं कि तमाम केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैन टू मैन मार्किंग कर दी गई है, ये तमाम चीजें हम देखते हैं। लेकिन फिर भी पिछले 3-4 महीनों में खास तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद से जिस तरह से एक जिसे कहते हैं कि एक फोकस किया है विपक्ष ने अपनी पॉलिटिक्स पर, वो क्या कहीं बीजेपी को असहज कर रही है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लगता है कि भाई हम अपनी हम लाभार्थी योजनाओं के जरिए या फिर तमाम चीज़ों के जरिए हम लोगों तक पहुंच ही रहे हैं, तो फिर ये जातिवाद का शब्द उन्हें इतना क्यों असहज कर रहा है? और साथ में वो भी तो पसमांदा की बात करते हैं, तो फिर ये जाति के नाम पर या वर्ग के नाम पर ये विरोधाभास जाहिर नहीं होता है? बिल्कुल सही कहा है आपने। मैं वही कहने जा रहा था कि जाति के नाम पर ना बटे लोग, ये उनकी अपील है। तो इसी में उनको धर्म के नाम पर भी कहना चाहिए था, लेकिन वो नहीं कहा, क्योंकि धर्म के नाम पर बटे होने का उनके ऊपर कोई फर्क उनको लगता है कि नहीं पड़ेगा अगर कोई बटा हुआ है। लेकिन अगर जाति के नाम पर बटे हुए हैं तो 2014 के बाद की पूरी पॉलिटिक्स, उनको अच्छी तरीके से पता है कि हम चाहे जितनी योजनाएं चला रहे हैं, कुछ भी है, लेकिन 2014 में जो जीत तय हुई है, और खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वो वही हुई है कि जो छोटे छोटे उन्होंने जाति आधारित दलों को अपने साथ जोड़ा, और जाति आधारित दल में से एक भी जरा सा निकल गया तो उसका तुरंत उनको नुकसान उठाना पड़ा। तो उनको ये पता है कि अगर ये जाति आधारित दल हमसे छिटक करके दूसरी तरफ चले गए तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास जो अभी चर्चा हो रही थी कि उनके ओबीसी पिछड़े जात के नेता उनके पास पहले भी थे, मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार वहां बनाया, दूसरे राज्यों में भी ओबीसी को ही प्राथमिकता दी, बावजूद इसके इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी उनके साथ कभी नहीं जुड़े। यद्यपि कई जातियां ऐसी रही हैं जो एक तरीके से बीजेपी के साथ काफी पहले से 90 के दशक से ही जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी जितना कि समाजवादी पार्टी, या ये भी कह लें कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जुड़ी हुई थी। पर 2014 के बाद, 2014 में स्थिति बदली है और छोटी छोटी पार्टियों का एनडीए में उनको शामिल करके जो फायदा बीजेपी ने लिया, उसने दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको भी, खासतौर से समाजवादी पार्टी को भी ये सोचने पे मजबूर किया कि ऐसा भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री को ये पता है कि अगर ये वोट बटा, जिसको हमने पिछले 10 साल में एकजुट करने की कोशिश की है, तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, ये कहीं बटने ना पाए। दूसरी ओर अभी तक जैसे कासिम साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी, यद्यपि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी जाति के आधार पर टिकट नहीं देती है, जाति के आधार पर वो कैंडिडेट नहीं खड़ा करती है, मंत्री नहीं बनाती, ऐसा नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर उस तरीके से वो पॉलिटिकल गेम नहीं किया करती थी या दिखाई नहीं पड़ता था जैसा क्षेत्रीय पार्टियों का, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, दूसरी पार्टियां हैं, उनका साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। और तो इनको अब वो कांग्रेस पार्टी भी उसकी बात करने लगी है, इतने जोर शोर से वो जातीय जनगणना की बात कर रही है कि अब दूसरी पार्टियां उसमें पीछे दिखाई पड़ रही हैं, कह रही कि हम जहां जहां जीतेंगे वहां वहां हम करवाएंगे, जहां और केंद्र स्तर पर भी होनी चाहिए, जो सेंसस होना है उसमें भी होना चाहिए। तो उनको ये लग रहा है कि, और उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की इन बातों पर लोगों को भरोसा भी हो रहा है कि हाँ, अगर वो कह रहे हैं तो ऐसा वो कर सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में उनको लग रहा है कि जिसको हमने 10 साल में एकजुट करने की कोशिश की है, अगर वो जरा सा भी खिसका तो वो सीटों के लिहाज से बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। सच्चाई भी है, इस सच्चाई से प्रधानमंत्री जी भी वाकिफ है, तो वो हर संभव ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना होने पाए। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और ये दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में कि इंडिया गठबंधन में जो प्रोमिनेंट जाति आधारित पार्टियां होंगी, जातीय जाति के आधार पर जिनका बेस होगा, उनमें से कुछ एक को इंडिया गठबंधन से अलग करने में
ये पूरी कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उसकी स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। उनको कुछ पार्टियों को उससे जरूर दूर करने की कोशिश करेंगे और काफी हद तक लगता है सफल भी हो सकते हैं। जी कासिम सर, मैं आपके पास आता हूँ। जो बात समीर जी कह रहे थे कि अपने वक्तव्य के अंतिम हिस्से में जो उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियों को, जो जाति आधारित पार्टियां जो जाति की राजनीति करते हैं उनको अलग करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, या कर और पुरजोर तरीके से करेगी। अब देखिए, पार्टी अलग हो कि नहीं हो वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इंडिया में से एक आई बीजेपी ने गायब कर रखा है। वो बीजेपी के तमाम नेता इंडिया नहीं बोलते हैं, वो उसको इंडी अलायंस बोलते हैं। और हमने ये भी देखा है कासिम जी कि जब ये अलायंस आकार ले रहा था तो अचानक से देश में एक सुगबुगाहट शुरू हो गई कि इंडिया नाम रखना चाहिए देश का या भारत रखना चाहिए। अभी एक एनसीईआरटी का तरफ से एक खबर आ रही है कि एनसीईआरटी में भारत शब्द का इस्तेमाल होगा। मतलब ये तमाम चीज़ें ऐसी चर्चा चल रही हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं बीजेपी को और केंद्र की मोदी सरकार को असहज कर रहा है। मेरा सवाल थोड़ा, मैं अपनी बातों को थोड़ा विस्तार देकर पूछना चाह रहा हूँ कि 2019 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में हम क्या फर्क देख पा रहे हैं। 2019 में कांग्रेस अकेले थी और कांग्रेस ने एक नारा दिया जो एक घोटाले से संबंधित नारा था, लेकिन वो नारा नहीं चला क्योंकि कुछ पार्टियों ने उसे कैच किया, कुछ पार्टियां नहीं कैच कर पाई। लेकिन इस बार जो जातिगत जनगणना की मांग है या आरक्षण को जाति के आधार पर रिवाइज करने की मांग है, ये बिहार से शुरू हो रहा है, महाराष्ट्र तक पहुंच रहा है, तेलंगाना में भी इसी की बात हो रही है, कर्नाटक में भी यही बात हो रही है, महाराष्ट्र में तो इवन अजीत पवार तक का कहना है, महाराष्ट्र एक अलग ही आरक्षण आंदोलन से जूझ रहा है, तो अजीत पवार का भी कहना है कि यहाँ भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी के अपने पार्टनर्स भी एक सुर में हैं। यानी पहली बार क्या आपको लगता है कि विपक्ष के पास एक ऐसा हथियार मिला है जो उत्तर प्रदेश में तो काम कर ही रहा है, सबसे अधिक लोकसभा सीट है यूपी में, पूरे देश भर से एक ही आवाज आ रही है? दिलचस्प है। देखिए, एक बात तो सही है, मैं अक्सर सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या इंडिया नाम के बाद से कुछ डिफेंसिव मोड में चली गई, भारतीय जनता पार्टी क्या बेचैन हो गई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फॉरेन इंडिया को जो है उसके बदले में पहले तो इंडी कहना शुरू किया, फिर इंडिया जहां जाकर ये इंडी है तो इंडिया के नाम को बदलने की क्या जरूरत है, कि जहां जहां इंडिया लिखा था उसकी जगह भारत लिखा जाएगा। भाई अगर इस गठबंधन का नाम इंडी है फिर इंडी इंडिया होता नहीं, लेकिन चूंकि मीडिया में इंडिया का इस्तेमाल होता है, खुद नेता इंडिया का इस्तेमाल करते हैं, तमाम जगह इंडिया 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 हो, उनको लगता है कि आसानी से रीच हो गई है इसकी, तो इसको कोशिश करने के बाद भी इंडिया को इंडी नहीं किया जा सका अब तक। कुछ पैनलिस्ट को छोड़ दिया जाए, कुछ जर्नलिस्ट को छोड़ दिया जाए जो इंडी इस्तेमाल करते हैं, वरना ऑलमोस्ट लोग इंडिया ही कहते हैं और इंडिया का ही थंबनेल या इंडिया के को ही लेके लीड्स बनती हैं। ये है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा डिफेंसिव है, लेकिन ये भी जो अभी समीर भाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि जाति आधारित पार्टियों को तोड़ा जा सके, मुझे लगता है कि अभी तक तो जो गठबंधन है उसमें जो पार्टियां हैं उसमें चाहे लालू प्रसाद हो, चाहे नीतीश हो, या क्या कहते हैं तेलंगा, आप वहां चले जाइए स्टालिन हो या महाराष्ट्र हो, ये सारे लोग, ये जो 5-7 लोग हैं ये कांग्रेस के नेचुरल एलाइज हैं और इनको टूटने जैसा इनके पास कोई संभावना दिखाई नहीं देती है, क्योंकि सब के सब मोदी सरकार के या केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं उनके पिटे हुए उनसे मार खाए हुए लोग रहती है बात। उत्तर प्रदेश में एक अखिलेश यादव बचते हैं, जो जाति की पार्टी आप कह सकते हैं कि पिछड़ों की और जाति की एक पार्टी कही जा सकती है, तो वो उसको भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाएगी या भारतीय जनता पार्टी उनको निकाल पाएगी, मुझे इस पर संशय संदेह है। और मुझे तो ये लगता है कि अखिलेश यादव को इतना कुछ होने के बावजूद, इतनी बड़ी पार्टी, इतने ज्यादा विधायक, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा, और उसके बाद पिछले दिनों जो घटित हुआ उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद अखिलेश यादव ये हुए मिले कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हैं। साथ में जैसा कि नीरज जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा, और ये बात मैं भी अक्सर कहता रहता हूँ कि तो इंडिया नहीं कहते, पीडीए की बात करते हैं, पीडीए 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 करते हैं, और पीडीए का उन्होंने इंडिया की जगह पीडीए का गीत अलग रखा है, पीडीए का उनका सारा फॉर्मूला है, हर जगह उनकी पीडीए की बात होती है। अब ये पीडीए उनका कहाँ तक जाएगा, कैसे पीडीए उनका अलग होगा, ये भविष्य बताएगा। 3 दिसंबर के बाद बहुत से राजनीतिक घटनाक्रम बदलेंगे, गठबंधन ऊपर नीचे होंगे, जैसे साउथ में आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री के साथ उनके एलाइज मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम मन शेयर नहीं करेंगे, इस तरह की बातें हमको देखने को मिल रही। अमीश भाई, बात यह है कि इंडिया गठबंधन क्या करेगा,
मैं अक्सर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 2022 में जितना किया है यह मैक्सिमम है, इसके ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा इंडिया गठबंधन, इससे नीचे ही आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर कम से कम एक उनके साथी निकल चुके हैं, संतारा सिंह चौहान एक जी, कांग्रेस ऐड भी तो हुई है, मैं आ रहा हूं कांग्रेस ऐड हुए, मैं वहां तक आ रहा हूं। तो कांग्रेस ऐड होने के बाद फिर वहीं खड़ा हो जाता है ये गठबंधन जहां पे अखिलेश यादव 2022 में दिखाई दिए थे, जहां पे अखिलेश यादव थे मैक्सिमम, मतलब अखिलेश यादव वोट मिला है वो मैक्सिमम है, इसके ऊपर जाता हुआ ये एलाइज तो नहीं दिखाई दे रहा, कम से कम ये एलाइज नहीं नजर आ रहा है। और जो टूट फूट और जो आपस के अख्तलाफात है फिर टिकट वितरण में आप मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, वो भाजपा हो कांग्रेस हो या कोई पार्टी बची है जिसके अंदर बगावत ना हुई, तो इसको इतनी आसानी से ये रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मतलब इसको खर्च से किया गया। आप मैं समझता हूं कि ये जो इंडिया गठबंधन का पूरा एक रूपरेखा जो बनी है या जो इसका एक पुत किया गया है खाका तैयार किया गया खाके में, उत्तर प्रदेश बिहार में जो था वो है, उसमें कोई नई चीज ऐड नहीं होती हुई दिखाई दे रही, जितना अखिलेश को मिला था जितना लालू नीतीश को मिला था उसमें तो कांग्रेस भी शामिल थी, हाँ उसमें जातीय जनगणना एक चीज आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोटी सी मिसाल दे के बात खत्म करूंगा अमीश भाई, जैसे मैं आपको याद कराऊं कि 1999 में आई थिंक 99 की बात है या 2009 की, हाँ 99 में बहुजन समाज पार्टी ने 7 यादव को टिकट दे दी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, सारे के सारे यादव, रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, भालचंद यादव, क्या कहते हैं आपके डीपी यादव, मित्र सेन यादव, बालेश्वर यादव, क्या ये 7 यादव एमपी हो गए। एक ये भी एक ऐसी सच्चाई है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है, आप जाति जनगणना लाएं आप या किस चीज में लाएं, लेकिन जब कहीं किसी सीट पर जिताऊ बिरादरी का कैंडिडेट मिल जाएगा और उसके बिरादरी को वोटों की संख्या वहां ज्यादा है तो वहां के समीकरण बदल जाते हैं, सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी जानती है। ये बात तो विपक्ष ये भी तो कह देता है ना कि ये बात तो ब्राह्मण जाति पर भी तो लागू हो जाती है ना कि संख्या में कम है लेकिन विधायकों की संख्या 17-4 चुनाव में साबित हुआ है कि ब्राह्मण और राजपूत पे ये बात लागू नहीं हुई, दसियों सीटों का आप हवाला दे सकते हैं हम हवाला दे सकते हैं। कासिम सर जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव नतीजे जब आए तो आंकड़े जब जग जाहिर हुए कि सबसे अधिक विधायकों की संख्या किस जाति से है तो राजपूत और ब्राह्मण टॉप पर थे, क्या उत्तर प्रदेश में कोई ये दावे के साथ कह सकता है कि संख्या बल में ये दोनों जातियां सबसे बड़ी हैं? संख्या बल में बिल्कुल बड़ी नहीं है लेकिन सबसे ज्यादा विधायक अगर किसी जात के हैं तो कुर्मी बिरादरी के, सबसे ज्यादा विधायक कुर्मी बिरादरी के जीत के हैं। और ये कब हुआ? जब कुर्मी बिरादरी ने पिछली बार 17 के चुनाव में और वाई बात कर रहा हूं, तो ये बात फिर कुर्मियों पर भी तो लागू है। मैं आ रहा हूं मुझे कंप्लीट कर लिया, मैं आ रहा हूं जब कुर्मियों, मैंने आ रहा हूं जहां से आपने कहा है, तो कुर्मियों ने जब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो कुर्मियों की सदस्य संख्या घट गई, कुर्मी जब अपनी पुरानी टैक्टिक्स पे गया कि कांग्रेस का भी अपना दल का भी कुर्मी, पल्लवी का भी कुर्मी, अखिलेश का भी कुर्मी, अलग अलग जिन्होंने वोट किया वो एक पार्टी का नहीं रहा तो उन्होंने कुर्मी से संख्या बढ़ा ली। मैं वही कह रहा हूं कि जातियों के उम्मीदवार और जातियों का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग है, किसी एक पार्टी के साथ जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। मैं कह रहा हूं हाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ओबीसी है वो लोधी हो, चौरसिया हो, परई हो, तेली हो, तमोली हो, ये वो बिरादियां हैं जो 1977-78-76 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी देखी है, वो आज भी जनता पार्टी के साथ है, वो हिलने को तैयार नहीं है। अमीश भाई जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है कासिम जी। विजय सर मैं आपके पास आता हूँ चूंकि जी लोग आ गया है और कुछ देर में हम लोग चाहे थोड़ा बसपा भी इस पर बात करेंगे क्योंकि यूपी में जब हम बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस की और पीएम मोदी के सापेक्ष बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश पीडीए का राग अलाप रहे हैं हालिया जो मध्य प्रदेश का विवाद हमने देखा, हालांकि उसके बाद अखिलेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस के साथ हम रहेंगे, दिग्विजय सिंह जैसे नेता भी कहे कि वो तो हमेशा मुलायम सिंह के जमाने से लेकर अब तक हमारा ही साथ दिए हैं, कांग्रेस का ही साथ दिए हैं, वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि कोई अंतर्विरोध है जो अखिलेश पीडीए की बात कहते हैं उससे और इंडिया के बीच में कोई तालमेल नहीं है या अखिलेश की राजनीति
अलग दिशा में जा सकती है, क्योंकि सुर तो एक ही है ना, जातिगत जनगणना पर कांग्रेस अखिलेश के सुर एक है, आरक्षण पर कांग्रेस अखिलेश के सुर एक है, तो इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि पीडी और इंडिया में कोई अंतर विरोध है उत्तर प्रदेश में, जो कि जो बात समीर जी कह रहे थे कि कोई पार्टी माइनस हो सकती है, क्या वो समाजवादी पार्टी हो सकती है? विजय सर आप म्यूट पर हैं। देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का आप इतिहास देखेंगे तो 89 में कांग्रेस ने 89-90 में कांग्रेस ने मुलायम सिंह की मदद की थी, कांग्रेस विपक्ष में भी थी, एनडी तिवारी नेता विरोधी दल थे और मुलायम सिंह की सरकार को उन्होंने समर्थन दिया, यानी कि ये सबसे रोचक काम कांग्रेस ने किया था अपने जीवन में कि विपक्षी पार्टी रहते हुए उन्होंने सत्ता पक्ष का भी समर्थन किया था, क्योंकि उस समय जनता दल में टूट हो गई थी और जिसकी वजह से बहुमत का संकट था। लेकिन इसके बाद अगर पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो हमेशा कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, परिवार की जो आय से अधिक संपत्ति की सीबीआई जांच का मसला था कांग्रेस सरकार के जमाने में था और मुलायम सिंह इस बात से हमेशा आहत थे, इस बात को वो कहते भी थे, यहां तक कि जब 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो भी उसके बाद मुलायम सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस हमारी हमेशा हमारा नुकसान चाहती है, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे गठबंधन हो लेकिन अखिलेश ने किया था। इसके बाद 2004 का अगर आप देखें जब बहुमत आया था यूपीए का तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें सपा जीती थी, इस वजह से बीजेपी संख्या बल में कांग्रेस से पीछे हो 38 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी और समाजवादी पार्टी बहुत उत्सुक थी यूपीए में शामिल होने के लिए, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। हरकिशन सिंह सुरजीत मुलायम सिंह और अमर सिंह को अपने साथ जरूर सोनिया गांधी के डिनर में ले गए थे लेकिन जिस तरह की फिर बात में कोई शामिल नहीं हो पाए, लेकिन बाहर से उन्होंने समर्थन करके रखा, तो बसपा ने भी समर्थन दिया था, सपा ने भी समर्थन दिया। फिर 2008 में भी मुलायम सिंह ने समर्थन दिया लेकिन उसका नुकसान उनको 2009 के लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा, कांग्रेस करीब करीब बराबर सीटें लोकसभा की कांग्रेस और सपा की उत्तर प्रदेश में हो गई और गठबंधन भी नहीं बना था। तो कांग्रेस और सपा का इतिहास ही ऐसा, उत्तर प्रदेश की जमीन पर बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों अगर कमजोर होंगी तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और ये पार्टियां जब तक मजबूत रहेंगी तब तक कांग्रेस यहाँ मजबूत नहीं हो सकती। देखिए कांग्रेस अपने वोट को धीरे धीरे खो रही है, उसको रिकवर नहीं कर रही है, यानी जो पार्टी यहाँ बहुमत में हुआ करती थी आखिरी चुनाव बहुमत से 1985 में इन्होंने जीता था 84-85 में और वो आज 2.3% पे खड़ी हो गई है आके। तो ये जो स्थितियां हैं इसमें मेरा ऐसा मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी इसलिए ज्यादा कंप्रोमाइज कांग्रेस से नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे 2027 देखना है। सपा और बसपा दोनों पार्टियों का जो जो एक पॉलिटिकल एम हो सकता है वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी, दिल्ली की सत्ता में वापसी उनके लिए संभव नहीं है या दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी संभव नहीं है। अगर वो यूपीए में शामिल हो जाएं प्रॉपर तरीके से तो भी उनको एक छोटा सा हिस्सा वैसे ही मिलेगा जैसे इनकी जो पासवान जी की पार्टी थी उस तरह का कोई हिस्सा उनको मिलेगा, राज्य मंत्री या एकाध कैबिनेट पद मिल जाए, ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये दोनों महत्वाकांक्षी हैं इसलिए इनकी पहली जरूरत है अपनी पार्टी की मजबूती को बरकरार रखना और अपनी जमीन को मजबूत बनाए रखना। कोई भी पार्टी अपने सेहत खराब करके अपनी सेहत खराब करके वो दूसरी पार्टी को ताकत नहीं पहुंचाएगी, और कम से कम सपा और बसपा तो बिल्कुल ये काम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों उत्तर प्रदेश की सत्ता में कई बार सत्ता में रही हैं और बहुमत से भी सरकार चला चुकी हैं। सपा जरूर एक वजह है, वो माइनॉरिटी वोटों की वजह से एक नेशनल परस्पेक्टिव बना है कि एंटी बीजेपी मूवमेंट में वो चाहती है जरूर कि हम कांग्रेस के साथ खड़े रहें ताकि चूंकि माइनॉरिटी का दबाव है इसलिए ये चीज जरूरी। तो मैं ऐसा देखता हूं कि अच्छा फिर 2022 की विधानसभा चुनाव में 37.25% वोट समाजवादी पार्टी के अपने, तो ये जो वोट है ये कोई बहुत अंतर नहीं है बीजेपी के वोटों में और समाजवादी पार्टी के वोटों में। समाजवादी पार्टी तो शायद 34% के आसपास है। नहीं सर, अगर 347 सीटों पे साइकिल चुनाव चिन्ह से समाजवादी पार्टी लड़ी है वहां आप देखेंगे तो 37.25 आएगा। अच्छा 347 सीट। अलायंस का मत देखिए, उत्तर प्रदेश का मत देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी सभी 403 सीट पे नहीं लड़ी थी,
उन्होंने 33 सीटें इनको दी थी, आरएलडी को दी मैं थी। समझ गया, दर्शकों के लिए भी ये समझने वाली बात थी कि जिन सीटों पर सपा लड़ी उसके हिसाब से अगर देखा जाए। हाँ, उसी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ जी। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं करेगी, ज्यादा झुकेगी। और ये जो घटनाएं हुई मध्य प्रदेश के इलेक्शन में अलायंस को लेकर, उसने इस मामले में आग में घी का काम किया है। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे कि ये सारी परिस्थितियों में जातीय जो राजनीति है उसकी दिशा और दशा क्या हो सकती है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ देखिए बिहार में जातीय जनगणना हो गई लेकिन कोई भूकंप नहीं आया, कोई बड़ा बड़ी बात नहीं हुई। सिर्फ एक बात हुई कि माइनॉरिटी के वोट 2% ज्यादा निकल के आए हैं, बाकी जिसके जितने वोट अंदाजे लगाया जाता था उतना ही वोट सबके करीब करीब वही परसेंटेज है। अब आर्थिक जनगणना की, आर्थिक जो सर्वे है उसका रिपोर्ट जब जारी करेंगे तब पता लगेगा कौन सी जाति को ज्यादा फायदा हुआ है इतने दिनों के आरक्षण वगैरह से। अब आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में भी 1931 की जनगणना के हिसाब से यहाँ सबसे बड़ी जो बिरादरी है वो जाटो बिरादरी है, उसके बाद यहाँ पे ब्राह्मण है 1931 के जनगणना के हिसाब से, फिर यादव है, यादव के बाद क्षत्रिय बिरादरी है, फिर ये कुर्मी लोध जाट ये सब आते हैं, और 24-25 मुस्लिम ओबीसी मिलाकर जो जातियां हैं वो 24 जातियों तक पहुंचते पहुंचते 1% से नीचे बाकी सारी जातियां चली जाती हैं, यानी 79 जो जातियां हैं उसमें से 24 जातियां ऐसी हैं इंक्लूडिंग पसमांदा जो 1% तक जिनकी आबादी है, बाकी 1% से नीचे हैं। तो इन जातियों की राजनीति में भागीदारी कैसे होगी, यानी अगर आप रिजर्वेशन देंगे तो कैसे पॉइंट में आप देंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो समूह बना के देंगे जैसा हुकुम सिंह कमेटी ने कहा था कि भाई आप 3 कैटेगरी बना दीजिए, एक कैटेगरी को इतना वोट दे दीजिए परसेंटेज, दूसरे को इतना दीजिए, तीसरे को इतना दे दीजिए, तो इस तरह की बातें हो सकती हैं। अब रोहिणी कमीशन जो मैंने पिछली बार आपसे कहा था वो राष्ट्रपति के पास उसका उसकी रिपोर्ट पड़ी हुई है, राष्ट्रपति जिस दिन साइन कर देंगे उस दिन वो रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास आ जाएगी, फिर उस पर डिटेल बहस शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि जाति का जो मुख्य मकसद है जाति की राजनीति का, वो है आर्थिक विकास और सत्ता में हिस्सेदारी। तो सत्ता में हिस्सेदारी तो हम लोगों का इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद हम बात करते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी, ये सबसे बड़ा विद्रूप नारा है, इससे घटिया कोई नारा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब जब डिलिमिटेशन की बात हो रही है तो दक्षिण भारत के राज्य परेशान हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें न बढ़ जाएं। अगर 10 लाख की आबादी के हिसाब से सीटें बनेगी तो केरल ने क्या पाप किया है, उन्होंने अगर अपनी आबादी रोक दी समय से और आबादी रोकने की वजह से उनको सीटें कम हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा पाप है ये कहना कि जिसकी जितनी संख्या भारी, यानी फिर वो जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई फिर बहुमत के हिसाब से हिंदू और मुसलमानों में देखा जाए, जिसकी बात अभी समीर रात मुझे कह रहे थे कि भाई धर्म की भी राजनीति देखी जाए तो फिर क्या ज्यादा हक हिंदू ही ले लें, मुसलमान को कुछ ना मिले। तो ये इस तरह के ढेर सारी बहसें हैं, और जो भागीदारी संख्या की वजह से है यही सिरदर्द है और यही यही ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, जो अति पिछड़े और अति दलित उसके साथ खड़े हो गए। क्योंकि वहां पे यादव समुदाय सबसे ताकतवर है पिछड़ों में, उसने सत्ता का सारा सदुपयोग किया, चाहे नौकरी हो चाहे राजनीति हो, और कुर्मियों ने सबसे ज्यादा सत्ता का सदुपयोग किया, चाहे कुर्मी चाहे नौकरी हो सरकारी चाहे राजनीति हो, और इधर जाटो समुदाय ने सबसे ज्यादा सत्ता का इस्तेमाल किया, 21% में उन्होंने अपना हिस्सा लिया चाहे वो सरकारी नौकरी हो या राजनीति हो। तो ये जो बड़ी भागीदारी के खिलाफ छोटी संख्या कम आबादी वाली जातियों का की जो गोलबंदी है ये 10 साल पहले हो चुकी है 2013 में। अब ये जो राजनीति लोग अति पिछड़े, अब जो पिछड़े की जनसंख्या गिरने वाली जो राजनीति हो रही है एक्चुअली आउट ऑफ डेट है, मेरा ऐसा मानना है। जितना ये एक मनोवैज्ञानिक तो इसका असर है लेकिन वोटों में ये असर दिखाई नहीं देगा, मैं ऐसा मानता हूं इसीलिए कि क्योंकि इनकी इसमें आप सोचिए कि 79 में 24 जातियां ओबीसी में जो 1% से नीचे, 24 से 1% से ज्यादा है बाकी सब नीचे हैं, यानी करीब 50 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 1% से नीचे है, तो वो जातियां गोलबंदी करेंगी, और गोलबंदी इसीलिए करेंगी कि भाई हमें अपने अस्तित्व को बचाना है, हमें जो कुछ मिल जाए वो हमारे लिए सबसे बेहतर है, और कौन दे रहा है, यानी कि जो आर्थिक पैकेज है उसके साथ हमारे लिए सहूलियत और हमारा सम्मान कौन इसको सिक्योर कर रहा है, इस बात पे वो डिबेट करेंगे और इस बात के हिसाब से वो वोट करेंगे। और ये भी देखेंगे कि गांव में हमको कौन ज्यादा सता रहा है, ब्राह्मण ज्यादा ताकतवर होकर सता रहा है, क्षत्रिय ज्यादा सता रहा है, यादव सता रहा है, या कुर्मी हमको सता रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में। ये ऐसे ही स्थितियां दलित समुदाय में है, वो भी ये देखते हैं कि जब मायावती जी सारी कमेटियों में जाटों समुदाय को रखती थी और सबसे ज्यादा महत्व जाटों को देती थी,
इसीलिए तो अति पिछड़े अति दलित उनके साथ हाथ से भागे और वो जाके बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हो गए। तो ये जो आज की राजनीति है ये राजनीति आउट ऑफ डेट राजनीति है। ये कर लें जितनी जनसंख्या की मनोवैज्ञानिक असर है इसका, लेकिन इसका असर जब वोट कास्ट करना होगा लोगों को और जब वो लोग इसका विश्लेषण करेंगे कि इससे हमको मिलना क्या है आखिर, तो वो उनको पता है उनके पढ़े लिखे लोगों को कि हम 0.1% 0.25% है, हम 0.75% है, तो हमको इस तरह से हिस्सा मिलने वाला है ही नहीं। आप बताइए कितने कितने लोहार, कितने प्रजापति, कितने और इस तरह की जातियां हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है या सरकारी नौकरियों में जो आप आते हैं। तो ये जो पूरा नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ये बहुत पुराना है, पिटा हुआ है और इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, हम डिबेट करेंगे, बहस करेंगे और एक मनोवैज्ञानिक इस पर लड़ाई होगी। तो ये मनोवैज्ञानिक पिच पे लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई का निष्कर्ष यही निकल के आएगा कि इतनी जातियां ज्यादा आबादी की हैं जो कह रही हैं जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हमारी भागीदारी, यानी कि ज्यादा नौकरी वो ले लेंगे, ज्यादा राजनीतिक पद ले लेंगे, जैसे कुर्मी समुदाय ने ले लिया, यादव समुदाय ले लिया, ब्राह्मण समुदाय ले लिया, ठाकुर समुदाय ले लिया, वैसे ही हमारे हिस्से से जाता रहेगा। तो देख रहा है कौन, जो दे रहा है, यानी अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में विधायकों में देख लीजिए किस बिरादरी के वैरायटी किसमें ज्यादा है, यानी डाइवर्सिफाई किसने किया है, क्या बसपा ने किया है, क्या सपा ने किया है, क्या कांग्रेस ने किया है, क्या भाजपा ने किया है। तो जिसने ज्यादा डाइवर्सिफाई किया होगा उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। ये चीज लोगों को, ये जमीनी हकीकत है और ये पर्दे के पीछे है। मैं मनोवैज्ञानिक लड़ाई आप लड़िए, जनसंख्या जातीय जनगणना करिए, तो जनगणना में पता तो यही लग रहा है ना कि यादव 14% है बिहार में, तो उन्हीं यादव के खिलाफ तो गोलबंदी करने की तैयारी है, वो उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। तो ये जो कहानी है ये बहुत पिटी हुई है और मैं इसमें कोई दम नहीं देखता। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। उस कमीशन की रिपोर्ट में जो बात आई है कि 2600 जातियों में से 900 जातियां ऐसी हैं जिन्होंने 97% जो लीक हुई है, पुख्ता तरीके से नहीं जानकारी है लेकिन उसमें जो लीक हुई थी 2600 जातियों में 900 जातियां ऐसी जिन्होंने 97% हिस्सेदारी ली है सरकारी नौकरियों में और राजनीति में। तो ये तो ओपन ट्रुथ है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को 14 में फायदा हुआ था और उसी का फायदा था कि जो 19 में सपा बसपा मिलके भी नहीं हरा पाए, आरएलडी जैसी पार्टी उनके साथ थी 12 सीटों पे, कांग्रेस भी साथ थी फिर भी नहीं हरा पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अति दलित अति पिछड़े हैं वो सामाजिक न्याय 2 का इंतजार कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास चाहिए, उनको उज्ज्वला चाहिए, गैस 1100 रुपए की सिलेंडर हो गया ठीक है, लेकिन वो यूज करें ना करें, लकड़ी पे ही खाना बनाए, लेकिन उनके घर में एक आर्नामेंटल शोपीस की तरीके से उनके 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 मनोवैज्ञानिक गर्व को बढ़ाएगा। एक शौचालय मिला है जिसमें वो कंडे रखते हैं लेकिन वो जब रिश्तेदार आएगा तो उसको खोल के इस्तेमाल भी करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो बारीकी से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जातीय राजनीति की जो दिशा अपोजिशन तय कर रहा है एक्चुअली ये पिटा हुआ एक मोहरा है, पिटा हुआ नारा है और उसी को नए कलेवर में ढालने की कोशिश है और इसका कोई ज्यादा रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। जी, काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं विजय जी और सैद्धांतिक दोनों पहलू को समेटा है। हालांकि ये देखने वाली बात रहेगी कि किस किस दिशा में उत्तर प्रदेश की सियासत जाती है और जातिगत आरक्षण के मांग का कितना, जातिगत जनगणना और उसके बाद आरक्षण को आगे बढ़ाने और घटाने की बात कहाँ तक जाती है। समीर जी, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से जो विजय जी कह रहे थे कि जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपनी एक सोशल इंजीनियरिंग की है, उसके पीछे संघ का अपना सामाजिक कार्य और फिर बीजेपी की अपनी सोशल इंजीनियरिंग जिसका उसको 2014 में और 2019 में उसको फ़ायदा मिला है, लेकिन क्या बीजेपी अपने इस इंजीनियरिंग को 2024 में काम तक, मतलब उस तक बचाए हुए आप देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने देखा है कि पिछले विधानसभा चुनावों में किस तरीके से दलित और पिछड़े का कार्ड अखिलेश यादव ने खेला, अल्पसंख्यक तुमाल जी उनके साथ में है ऐसा मानकर हम चल रहे हैं, लेकिन दलित और पिछड़े का कार्ड खेलकर अपना वोट शेयर बढ़ाने में उनको कामयाबी मिली और उसके बाद से लगातार वो इस मॉडल पर काम कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक थ्रेट है बीजेपी के लिए कि उसका जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रहा है विपक्ष से, भले मुद्दे जातिगत जनगणना के सरकार रोहिणी कमीशन से उनको बैलेंस कर देगी, क्या करेगी वो अभी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी तो वर्तमान में तो एक चर्निंग और एक लोगों के मन में ये स्वतः सवाल तो आ ही रहा है ना कि आखिर जातिगत जनगणना कराने में बीजेपी भाग क्यों रही है? क्या आपको लगता है ये खतरा है बीजेपी के लिए, उसके सोशल इंजीनियरिंग के लिए?
के लिए? देखिए, एक तो विजय जी जो कह रहे थे, बिल्कुल मैं उनकी बातों सहमत हूं कि जो वो ओबीसी जातियां जो कभी भी मुख्य धारा की राजनीति का हिस्सा नहीं बनी, इक्का दुक्का किसी जाति के लोग राजनीति में आगे बढ़ गए वो अलग बात है, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी उनकी उस राजनीतिक लाभ को नहीं ले पाई जो कि दो चार जातियों ने लिया है अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहा हूँ, दूसरी जगहों पर। तो उनके लिए जो 2014 के बाद की बीजेपी है उसने निश्चित तौर पर तमाम तरह के जो उनको फायदे पहुंचाए हैं उसकी वजह से वो कन्विंस्ड है, लेकिन चूंकि दूसरी जगहों पर भी अब ये इस तरह की जो फायदे वाली चीजें हैं, अब केंद्र सरकार है तो केंद्रीय स्तर पर बहुत सारी योजनाएं दे रही है, बहुत से राज्यों में भी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, तो 10 साल के बीच में और कई योजनाएं ऐसी भी हैं कि लाभार्थियों को लाभ मिल तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि सबको मिल रहा है। तो ये एक ऐसी चीज है कि लोगों को लगता है कि दूसरी सरकार भी आएगी तो वो भी ऐसा करेगी, और दूसरी पार्टियां खास तौर से अगर हम इंडिया गठबंधन को देखें और कांग्रेस को देखें तो इस तरह की के वादे कर भी रही है, और जब उनका घोषणा पत्र आएगा तो उसमें कह दिया 500 रुपए में सिलेंडर देने का और 10,000 रुपए देने का, वही कह रहा हूँ कि ये कह दिया घोषणा पत्र आएगा तो ऐसी तमाम योजनाएं उसमें शामिल रहेंगी भी। दूसरी बात एक और है कि ये जो आप बार बार ये तुलना हो रही है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की ये स्थिति थी और लोकसभा में क्या होगा, कांग्रेस के साथ वो कैसे गठबंधन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी उनसे डरी हुई है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आप ठीक एक चुनाव पहले की बात करें, विधानसभा की नहीं लोकसभा की बात कर रहा हूं 2019 की, और उसके पहले के लोकसभा की भी बात करें, यहां पर समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो सत्ता में रहते हुए भी चुनाव लड़ी और 5 सीटें आई। सबसे बड़ा जो कहा जा रहा था कि सामाजिक समीकरण बन गया सपा और बसपा का, और रहा भी है, एक समय में पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों ने मिलकर के बनाई थी, बहुत इसको महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा जा रहा था। अखिलेश तो भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था 93 में, पूर्ण बहुमत नहीं था, जनता दल ने सपोर्ट किया था 22 सीट। जी, मतलब एक कहने का कि वो एक लगभग पूर्ण बहुमत की ओर थी, सही बात है, पूर्ण बहुमत उनको नहीं मिला था, लेकिन नहीं, तब नहीं, दोनों के गठबंधन से 1 सीट बीजेपी ज्यादा था। अच्छा, दोनों के गठबंधन से पार्टी थी जी, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी थी लेकिन पूर्ण गठबंधन नहीं था। जी हाँ, तो कहने का मतलब ये कि अगर ये इन दोनों के गठबंधन को ये माना जा रहा था कि सबसे बड़ा जो सामाजिक समीकरण है वो बना हुआ है, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी को 5 ही सीटें मिली और बहुजन समाज पार्टी को मिली 10 सीटें। अच्छा, 2022 के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी की जो स्थिति रही उसके पीछे बहुत से कारण थे, सबको मालूम है। एक तरीके से वो विपक्ष, कांग्रेस उसमें शामिल नहीं थी लेकिन, या बसपा उसमें शामिल नहीं थी लेकिन विपक्षी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से वही लड़ रही थी, ये सबको पता है, वोटर को भी पता था, और जो भी भाजपा से नाराज वोटर था उसने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। फिर भी समाजवादी पार्टी, यानी एक तरह से पूरे विपक्ष का सिंबल बनने के बावजूद समाजवादी पार्टी बहुमत के आंकड़े की तरफ नहीं जा पाई। तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन है, एक चीज और भी, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो एक बड़ा मतदाता वर्ग ऐसा है जो बहुजन समाज, खास तौर से अगर हम उसको कहें कि फॉरवर्ड क्लास का मतदाता, जो कि भाजपा में भी बहुत सहज नहीं है लेकिन वो अगर विकल्प के रूप में समाजवादी पार्टी को देखता है तो वो मजबूरन भाजपा को वोट देता है, एक बहुत बड़ा वर्ग है ये। बसपा के साथ वो सहज हो लेता है, कांग्रेस पार्टी के साथ तो होता ही सहज है। उस स्थिति में समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, जो कि विधानसभा चुनाव में दिखा भी, तो उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा, और कांग्रेस पार्टी ये जान रही है, भले वो 10 ही सीट पर उत्तर प्रदेश में लड़े, 5 ही सीट पर लड़े, लेकिन उसको ये पता है कि सपा के साथ गठबंधन से उसको कोई बहुत फायदा नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी को ये पता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो उसको वो तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि 2014 और 19 में हमारा रिजल्ट क्या रहा, जबकि हमारे साथ एक समय में हम सरकार में थे और दूसरे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट था, तो वो जान रही है कि अकेले चुनाव लड़ने से हमको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, गठबंधन से ही हमको फायदा होने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवाद, उत्तर प्रदेश में खोने के लिए कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो
उसकी ये कोशिश है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहे चाहे ना रहे, बल्कि उसकी कोशिश यही है कि ये ना रहे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। बसपा को और आरएलडी को अपने साथ लेकर के चलना चाहती है। माइनॉरिटी वोट का लगभग आप कह सकते हैं कि पूरा नहीं तो 80-90% वोट जो है समाजवादी पार्टी को 2022 में मिला। माइनॉरिटी पार्टी समाजवादी पार्टी माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो समाजवादी पार्टी से इस समय वो किसी मजबूरी में ही शायद उसको वोट देगी। इस समय उसका कहीं से इंक्लिनेशन नहीं है कहीं भी अगर समाजवादी पार्टी की तुलना में कोई दूसरा, और खासतौर से अगर गठबंधन का कोई प्रत्याशी रहेगा समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी चाहे उससे अलग हो तो वो गठबंधन की ही उम्मीदवार को देगी। ये गठबंधन में शामिल दलों को भी पता है। इस स्थिति में अगर समाजवादी पार्टी अलग हो भी जाती है या नहीं इंडिया गठबंधन में रहती है तो बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। और अभी मेरे ख्याल से है नहीं कासिम साहब, वो कह रहे थे कि ये नीतीश कुमार नेचुरल अलायंस है। नीतीश कुमार कांग्रेस के कहां से नेचुरल अलायंस हो गए? तो नेचुरल उनका जो गठबंधन है वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ है। और अभी भी तमाम ऐसे कई बयान आ जाते हैं कि कभी पता ही नहीं चलता कि ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव आते आते वो उनकी पार्टी बीजेपी की तरफ फिर से चली जाए। तो समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि जो पार्टियां आ गई वो बनी ही रहेंगी और जो पार्टियां अभी तक एक दूसरे गठबंधन में नहीं गई हैं वो नहीं गई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इन गठबंधन अभी किसी भी तरीके से पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। ओबीसी वोटरों की जो बात है तो ओबीसी वोटरों के साथ यही है कि भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी खींच ले जाएगी, आरजेडी खींच ले जाएगी, उसको ये दिक्कत है कि अगर ये कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे में इसको शामिल कर लेती है और तमाम राज्यों में उसको फायदा भी मिल रहा है, अगर ये केंद्रीय लेवल पे लोकसभा के लेवल पर अगर वो फायदा ले गई तो इतने जो 10-11 साल 12 साल की उसकी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। उसकी चिंता इस बात को लेकर के, क्योंकि एक चीज और भी है, कांग्रेस पार्टी के साथ पिछड़ा वर्ग शुरुआत से भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं जुड़ा था, जिस तादाद में माइनॉरिटी था, दलित था और सवर्ण वर्ग था। पिछड़ा वर्ग हमेशा से ही एक तरह से वो कांग्रेस पार्टी से अलग ही रहा है, उसकी उसके अपने रास्ते अलग रहे हैं। तो भाजपा की को प्रॉब्लम इससे है कि कांग्रेस पार्टी इस जो पिछड़े वर्ग का वोट है अगर उसमें सेंध लगा ले गई तब उसको दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, वाकई काफी उलझी हुई राजनीति आने वाले दिनों में साल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये जीत की हैट्रिक लगाने का मौका है, तो शायद विपक्ष के सामने अपनी साख बचाने का बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसलिए आने वाले 7-8 महीनों में जिसे हम कहते हैं कि साम दाम दंड भेद, जीत के लिए वोट पाने के लिए तमाम पार्टी और गठबंधन अपने हर पैंतरे का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो गठबंधन की राजनीति के विरोधाभास हमारे सामने आए या फिर आपस में सीधे एक दूसरे को चुनौती दे रहे बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, विपक्ष के इंडिया गठबंधन के चुनौतियां एक दूसरे के सामने आएं। हम लगातार इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों को आपके सामने लाते रहेंगे और उत्तर प्रदेश जाहिर तौर पर इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि 80 सीट वहां से आती हैं और कौन चलाएगा देश तय करेगा उत्तर प्रदेश, जो हम लगातार कहते हैं। हम इस नाते से उत्तर प्रदेश की हर राजनीतिक गतिविधि को आपके सामने लाते रहेंगे, अपने मेहमानों के जरिए इन गुत्थियों को भी सुलझाते रहेंगे। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए समीर, विजय जी, कासिम भाई, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।